दोस्तों बेसिकली आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पे जानेंगे कि हम अपने कॉइन्स को ट्रांसफर कैसे करें, यानी कि बाइनेंस से अगर हमें कोई भी कॉइन को, अगर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कॉइन हो, अगर हमें ट्रांसफर करना है अपने टोकन पॉकेट या तो ट्रस्ट वॉलेट, किसी भी ऐसे वॉलेट के ऊपर अगर ट्रांसफर करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से हमें ट्रांसफर करना है, इस वीडियो में हम उस पॉइंट को यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से हमें ट्रांसफर करना होता है और सेम उसका उल्टा यानी कि ट्रस्ट वॉलेट या तो टोकन पॉकेट से हमें अपने एक्सचेंज के ऊपर किस तरीके से ट्रांसफर करना होता है, फुल डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ कवर। तो दोस्तों अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे जरूर मैसेज कर देना। और इसी के साथ अगर आप हमारे साथ परमानेंट जुड़ना चाहते हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके भी जरूर रख लेना कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं कंटिन्यू स्टार्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा चैनल है अर्न विथ ट्रेडिंग, जहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे आपके यूज के हिसाब से, यानी कि अगर आप MLM कंपनी में काम कर रहे हो या तो आप क्रिप्टो बेस्ड में हो, ऑल तरीके के आपको यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड है इस चैनल के ऊपर और बहुत से शॉर्ट वीडियो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलते हैं जो कि 1 से 2 मिनट्स के वीडियो होते हैं, जिसकी मदद से भी आप एक अच्छा खासा इस मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हो। तो चलिए और यहाँ पे हम वीडियो को करेंगे कंटिन्यू स्टार्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पे स्क्रीन जो है ऑन हो चुका है, जो कि आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा है। यहाँ पे हम सबसे पहले चलेंगे अपने टोकन पॉकेट के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 0 बैलेंस, यानी कि इस समय हमारे पास कोई भी मैटिक अवेलेबल नहीं है और हमें इस वॉलेट के ऊपर मैटिक चाहिए। इस वॉलेट को क्रिएट कैसे करना है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा और इसी के साथ में वीडियो के लास्ट में भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो सिंपली हमें जब भी हम वॉलेट क्रिएट करें तो हमें रिसीवर एड्रेस पे जाना है और सिंपली इसको कर लेना है कॉपी। अभी फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने इसको कर लिया कॉपी और सिंपली हम चलते हैं अपने बाइनांस अकाउंट के ऊपर, जहां पे हम यहां पे चेक करेंगे। मैं यहां पे स्पोर्ट वॉलेट के अंदर आ चुका हूं। यहां पे जैसे आप स्पोर्ट वॉलेट के अंदर आते हो बाइनांस के, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस मिलते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉवल, देन ट्रांसफर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें चलना है डिपॉजिट के ऊपर, यहां विड्रॉवल के ऊपर, क्योंकि हमारे पास देखिए मैटिक कितना है, 12.95 मैटिक है। अभी हम सभी मैटिक को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो हमने सिंपली क्या किया, विड्रॉवल पे क्लिक किया और सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है मैटिक। जैसे हमने टाइप किया मैटिक, हमारे सामने 2 ऑप्शंस यहाँ पे आगे सेंड इज द क्रिप्टो के ऊपर हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो एड्रेस को हमने वहां से कॉपी किया था उस एड्रेस को हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। सेकेंड है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है कि आप कौन से नेटवर्क से भेजना चाह रहे हो। तो दोस्तों रिसीवर एड्रेस भी वही चीज होना चाहिए, अगर आपका ये गलत हो गया तो आपका पैसा हो जाएगा लॉस। तो यहाँ पे हमने पॉलीगॉनों को सिलेक्ट करके कंफर्म कर दिए। पॉलीगॉन मैंने क्यों सिलेक्ट किया उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। टोकन पॉकेट का जो हमने वॉलेट के लिए क्रिएट किया था वो मैटिक के ऊपर क्रिएट किया था, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो के अंदर बताया हूँ, आप उस वीडियो को एक बार वॉच करना। तो हमने यहाँ पॉलीगॉन ले लिया, उसके बाद हमने मैटिक ट्रांसफर करना है। मैंने यहाँ पे मैक्स कर दिया, ऑल पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और सिंपली हम क्या करेंगे अभी विड्रॉवल के बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कभी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप जैसे ही विड्रॉवल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको राइट आंसर देना है। अगर वो आंसर आपका गलत भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो समझता है आप क्लिक करो और उसके बाद उसको पेपर पे नोट आउट करो। रिटर्न अगेन अगर आपका वो पासवर्ड रॉन्ग हो जाता है पूरा आंसर, तो रिटर्न आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको सिंपली वहां पे रिटर्न आप राइट क्वेश्चन दे सकते हो जो कि बाइनेंस आपको बता देगा। हमने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक किया। अब देखिए हमारे सामने 2 ऑप्शंस आ गए, हमारा मोबाइल फोन और ईमेल आईडी, दोनों पे हमें OTP जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले हम क्लिक करते हैं और अपने मोबाइल का OTP यहाँ पे मंगा लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ
अभी देखते हैं ओटीपी कितने टाइम में आता है। आई थिंक सो ओटीपी भी आ चुका होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये देखिए ओटीपी मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो हम चलते अभी ओटीपी डालते हैं। 3486 74 86 74, हमने ओटीपी यहाँ पे डाल दिया। अभी हम चलेंगे यहाँ पे मेल बॉक्स के ओटीपी को यहाँ पे हम एंटर करेंगे, जो हमारे मेल के ऊपर जो यहाँ पे ओटीपी आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने उस ओटीपी को भी यहाँ पे एंटर कर दिया है, और सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो विड्रॉवल प्रोसेस 12.95 मैटिक हमारा ऐसे यहाँ पे प्रोसेसिंग में जा चुका है। सिंपली हम व्यू हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 128 प्रोसेसिंग है, जो कि टोटल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फाइंड करेगा। और जैसे ही क्लियर फाइल होता है, तो ये जो पैसा है, जो ये मैटिक है, हमारे उस वॉलेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को जब तक हम यहाँ पे होने देते हैं, अभी हम चलते हैं अपने टोकन पॉकेट की तरफ। तो हमने सिंपली यहाँ पे बैक किया, अभी यहाँ पे कुछ समय में देखिए हमारे पास यहाँ पे 12.85 मैटिक एज अवेलेबल यहाँ पे जस्ट अभी यहाँ पे रिसीव हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रांसफर बहुत आसानी से कर सकते हो। सेम इसी तरीके से होता है डिपॉजिट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको सिंपली ट्रांसफर पे जाना है, आपने ट्रांसफर पे गया और वहां से एड्रेस को आपको करना है कॉपी, और जैसे ही आप एड्रेस को करोगे कॉपी, उसका नेटवर्क आपको देखना है कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क को लेना है पोलिगॉन मैटिक पे लेना है, क्योंकि आप जो यहाँ पे वॉलेट रेडी किए हो वो पोलिगॉनों के ऊपर है, जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो पोलिगॉन मैटिक, ये टोटल जो भी हमारे वॉलेट है ये पोलिगॉनो मैटिक के ऊपर है, तो यहाँ पे नेटवर्क जो है पोलिगॉनो मैटिक का ही यहाँ पे लगेगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल बना होगा, कि जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश किया हो कि आप समझ चुके रहोगे कि आपको ट्रांसफर कैसे करना है। आप हर एक कॉइन को सेम इसी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो, और सेम इसी तरीके से विड्रॉवल भी कर सकते हो। किसी भी एक्सचेंज से आप इजिली तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो। वीडियो दोस्तों जरा भी हेल्पफुल बना होगा तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को करेंगे यहीं पे क्लोज, और मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।